स्क्वाड। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। मेरा नाम है प्रिया। और आज हम लेकर आए सम्राट की पाठशाला से पत्तली कमरिया। वही हाय 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 बस इतना ही है। तूने खाली कमरिया बोला ना, मोरी भी बोल दिया हमने, फिर आगे गया उसने वो कर दिया। करे स्टार्ट। तो क्या हाल है? आ गया तुम्हारा भाई, आ गया एक और नई धमाकेदार वीडियो लेके। आज ना आग लगा देंगे। डेडिकेशन देख रहे हो विनोद? चब्बे प्रमोशन मिल गया होगा कोई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो पिछली वीडियो का रिस्पांस देख के ना कतई मजा सा ही आ गया, तो मैंने ना तुरंत ही एक नई वीडियो शूट कर दी थी, यही वाली। पर किसी कारण बस ना यार ये वाली वीडियो डिले पे डिले होती जा रही थी, परंतु अब नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक के बाद एक बीमारी आती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले लोग इस बीमारी से ग्रसित थे। मतलब अपने देश का ये हाल हो चुका है कि बीमारी पैदा किसी भी देश में हो, फैल इंडिया में जाती है। अबे जिसे देखो वो बकैती कर रहा है यार। अबे जिस दिल की तू बात कर रहा है ना साले, वो पसलियां है तेरी। अबे लगता पहन ले मान, या ठंड लग जाएगी। यू कम लड़किन नहीं करंदा, लड़का करते हुए बढ़िया ना लग रहे। देख लड़के कितनी बढ़िया लगे करते हुए। अबे कहाँ बुला रही है? वैसे तो मैं शरीफ टाइप का बंदा हूँ, परंतु ये मुझे कुछ गलत लग रहा है। जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है उनको तो जीने दो मैडम। अबे सिंगल लॉन्डो के साथ सर्दियों में इस टाइप का मजाक नहीं किया करते। क्या करूँ यार, मैं मूड खराब कर दिया मेरा। म्यूजिक। क्या मतलब क्या करूं मैं तुम्हारा? नहीं मतलब मैं भी अपनी वीडियो टेढ़ी कर दूं? नहीं भाई, फोन टेढ़ा कर दिया तो मतलब मैं वीडियो भी टेढ़ी कर लेता हूं। देख लो तुम ना, तुम ऐसे ही देखो। हम तो यहाँ गधे हैं, यूं ही बखत फोड़ रहे हैं अपना। अबे मान जाओ मान जाओ, छोरे के चक्कर में फोन ने टेढ़ो करते फिर रहे हैं। शर्म है, कुछ शर्म हया है। जब बात शर्म हया की हो रही है ना, तो इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो शर्म हया बिल्कुल बेच के खा चुके हैं, जैसे कि ये लौंडा। भाई सच बताओ ना, सरकार को संसद में एक बिल पास कर देना चाहिए, जो भी साला सड़क पर रेस बनाता दिख जाए ना, उसको बांध के उसके मुंह पे पाद मारी जाए, तभी सुधरेंगे यार ये लोग। अबे रुक नहीं रहा यार ये बंदा, इसको जहाँ जगह मिल रही है वही शुरू हो जाता है। ले या के पाम पे चढ़ गया। भाई बचपन से ही ऐसे हो गए, कोई टीका वीका लगा था। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इसके मुंह पे तो मूली के पराठे खा के पाद मारो, उसी से इसकी बीमारी दूर हो सकती है। क्या अच्छे हमारी युवा ला ली है यार। आ, प्यारी शर्मा गई। कोई बात ना लाली, नाच नाच ले, हमने अपनी आंख बंद कर ली। नाच ले शर्मा गई। आजकल इंस्टाग्राम पर सिर्फ दो ही चीजें फेमस हो रही हैं, पहली और दूसरी तो आओ एक एक करके सारी बीमारियों का समाधान करते हैं। पहली वीडियो, बाइक पे खड़ी होके वीडियो बनाई जा रही है। अरे लाली मान जा, स्कूटी ना है यू, गलती से बाइक पे गिर पड़ी तो घर वाले ने सड़क पे तक खुरच के ले जानी पड़ेगी। अबे कोई रोक लो इसको, हेलमेट और नहीं पहना है। क्या हो रहा है? मैं सच बता रहा हूँ, जिसे जहाँ जगह मिल रही है ना वो वहाँ लगा हुआ है। अब आप इसको क्या कहोगे? अरे कोई जगह तक छोड़ दो, स्टेशन पर ही नाचना शुरू कर दियो। अब जरा इस भाई को देखो। हाँ, जिंदगी के सारे मजे तो यही लूट रहा है। ये भी सोच रहा होगा मस्त टाइम पास करा रही है छोरी, जब तक ट्रेन ना आ रही और का चाहिए, असली मजे तो यही ले रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ स्टेशन और रोड तक ही सीमित है, उड़ती उड़ती ये बीमारी स्कूलों में जा पहुंची है। पहले तो मुझे ये बताओ कि साला स्कूल में फोन किसने अलाउ किया? हमारे स्कूल में तो बैग की चेकिंग हुआ करती थी यार, और यहाँ खुले हम स्कूल में वीडियो बन रही और टीचर बैग क्या चेक करेंगे, टीचर तो खुद लगे पड़े।
अबे जब टीचर नहीं रुक रहे तो स्टूडेंटों से हम क्या ही उम्मीद करें। अरे मैडम मान लिया आप सुंदर हो तो इसका मतलब क्या, मैं सरकार को पत्र लिखने जा रहा हूँ कि इस डांस को नेशनल डांस घोषित कर दो भाई साहब। अरे पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है भाई। चलो यहाँ तक तो हम एक बार को झेल रहे थे क्योंकि जो भी हो रहा था अच्छा लग रहा था, आंखों को सुकून दे रहा था, पर जब से लौंडे कूदे ना इस ट्रेंड में, इस ट्रेंड की रेड पीट दी है भाई साहब। अबे मान जाओ अपनों ना, कम से कम ये जो छोरी बैठी है इनकी तो शर्म कर लो। अबे तुम पर हंस रही है वो लौंडा नाच देख रहे हो और इन्हें देखो कितना मजा आ रहा है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, एक तरफ लोगों ने दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड पटा रखी है और तुम सारे लौंडों को नचवा रहे हो, क्या होगा तुम्हारा? ऐसे स्कूल के बालक लगे पड़े। ये पढ़ाई हो रही है, माँ बाप यही मार तो फीस भरे हैं तुम्हारी स्कूल की। अब आप पढ़ लो मान जाओ, पतली कमरिया के चक्कर में टांट पे रुमाल धर के मंत्री बन रहे हो। बताऊँ ये वाला भाई सही कह रहा है, स्टूडेंट्स और सब खाली छोड़ी पटाता है नहीं है कि नहीं है, जितना स्टूडेंट है वो बताइए कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी पटाता है। एकदम सही बात है भाई साहब, जिनकी सेटिंग हुई पड़ी है वो तो साले अपना अलग लगे हुए हैं। मेले बाबू ने थाया बहन पूरे कुत्ते तेरा आज के हाथ में दे दूंगी खाने से आज फिरवाने और जिनकी नहीं होती है वो पतली कमरिया पे कमर मटका रहे हैं भाई साहब, चाहे उनकी कमर पतली भी ना हो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। अरे मूड खराब हो गया यार, म्यूजिक लगाओ। अबे मुंडी टेढ़ी हो जाएगी, मान जा रुक जा, कभी फोन टेढ़ा कर लेता कभी मुंडी टेढ़ी कर लेता, तुम्हें लग रहा होगा कि सम्राट भाई तो ऐसे गधे, मुंडी तो बेटा टेढ़ी करी थी तूने। और मैं एक चीज सच बताऊं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि लौंडे जो हैं इस ट्रेंड में घुसे ही क्यों हैं। मतलब देखना ये लौंडा क्या कर रहा है, ये देखो ये कमरिया मोरे हाय 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 हाँ हाँ हाँ, बस मत दे कष्ट, मत दे अपने शरीर को कष्ट मत दे भाई। अबे ठंड में जा डबल रजाई करके घुस के आराम से उसमें हाथ पांव सेक, तू क्या यार यहाँ सुबह सुबह जाके भीड़ भक्कड़ में लगा हुआ। लौंडे बिना मतलब कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के ही सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ लड़कियां भी है जो भयंकर तरीके से कोशिश कर रही है। देखो दिखाता हूँ तुमको मैं, ये देखो हो गया इनका, शक्तिमान बन के उड़ गई भाई ये, पापा की तरी थी उड़ गई। अबे वीडियो बनाना भी आर्ट है बे, जो सिर्फ सुंदर लड़कियों के पास होता है। मतलब तुम इंस्टाग्राम खोलो और तुम इंस्टाग्राम खोलते ही सुंदर सुंदर लड़कियों के दर्शन हो जाए, मतलब ये चीज किसको ही बुरा लगती है। लूटले खजाने। अब जब सब इस ट्रेंड पर वीडियो बना रहे हैं और वायरल हो रहे हैं ना भाई साहब, तो तुम्हारा भाई भी इस ट्रेंड पर वीडियो बनाएगा, और अगर वायरल नहीं हुआ ना तो साले कमी तुम्हारे अंदर ही है, भाई को सपोर्ट मत कर लेना। हट जा, मैं तो चला वीडियो बनाने। आया मजा है। पर मेरी अब भी पर्सनल फेवरेट है ना यही वाली वीडियो है। लाली क्यूट तो है, एक बार और चलाओ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, आज का लाइक ये रखते हैं 1,00,000 लाइक कर दियो। रात भर डीजे चलाएंगे, बजाएंगे हम तो। हाँ फिर पुलिस आएंगे सब करके ले जाएंगे। हाँ दिल्ली में तो ये बजाना होते हैं यार। बढ़िया लगी हमारे तो वीडियो मेरे को तो नहीं आती, सच्ची नहीं आती।
फिर से भी आती है, रहते नहीं ना वहाँ पे, दिल्ली में ही रहते, पर समझ में आ जाती है। हाँ समझ में आ जाती है। बाकी बड़ी मस्त वीडियो रही थी यार, और कौन से स्कूल है जहाँ पे अलाउ हो गया यार। यार हाँ, कोविड में ना हो गया था, हमारी क्लास की लड़कियाँ बुलाती थी, एक बार बताती हूँ अगर वो वीडियो देखे तो। छोड़ो, हमारी ग्राउंड में तीन लड़कियाँ थी, वो वीडियो बताती थी, रील भी बना रही थी हमारी स्पोर्ट्स वाली मैम आई, और उन्होंने फ़ोन छुपा लिया, ठीक है, कोट और सलवार पहन कर आता, तो उन्होंने सलवार में फ़ोन ऐसे साइड में टक कर दिया, फिर मैम ने चेक किया, तो जब दूसरी लड़कियों का चेक कर रही थी तो मैम से कहती हूँ गर्मी लग गई, कोट रख करा, कोट में फ़ोन रख के और ग्राउंड में स्टेज पर रखाई। और फिर उसके बाद है ना, एक लड़कियाँ तो होती ही ऐसी चिड़ेली सी एक लोग बता दी मैम इसने पूरा छुपाया है वो बिड्डी वो, और ग्राउंड में दे थप्पड़ दे थप्पड़। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिसर गए, उससे कहा फोन चेक करा अपना, फोन खोल अपना। फिर उसके पापा आए, उसके पापा ने उसे पछा लिया, ये बोल के मेरी मर्जी से लाई थी मेरी बेटी फोन। नहीं देना चाहिए यार स्कूल में बच्चों को फोन, स्कूल में नहीं होना चाहिए अलाउ, वरना स्कूल जिंदगी बर्बाद भाई, स्कूल में स्कूल के मजे लो, और छुप चोरी छुपे कॉलेज में कॉलेज के मजे ले रही हूँ मैं, तो सोचती हूँ सामने एक पढ़ोता रहे मेरा सब कुछ क्यों बोल रहे कॉलेज ऑनलाइन सही है ना। हाँ यार ठीक है, तो वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे वाले चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू।